बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू बॉल नाइट्स विद एहसन खान। जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और अच्छी अच्छी खबरें जब आती हैं तो बहुत खुशी होती है जनाब, और जब बुरी खबरें आती हैं ऑब्वियसली उदासी होती है। कोशिश करते हैं कि जब इतनी टेंशन चल रही हो, हर जगह परेशानी हो या कोई ना कोई मसला चल रहा हो, तो ये शो के जरिए हम कुछ एंटरटेन कर दें आपको, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे कर लें, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपकी सुन लें जनाब। फीडबैक का थैंक यू वेरी मच, यू आर लविंग द शो, आई एम हम्बल्ड। एंड ऑब्वियसली हर एपिसोड में ये बात हमेशा वो कहता हूँ कि आपके पसंदीदा लोग हम यहाँ पे बुलाते हैं, और आज भी आपके पसंदीदा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है आज के शो में सबसे ज़्यादा खुश कौन होने वाली हैं? मेरी वालदा। अब देखें कभी कभी अपनी, कभी कभी क्या, हर वक्त खुश करना चाहिए अपने घर वालों को तो। एंड माई मदर लव्ड फ्यू एक्ट्रेसेस, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि इनको ज़रूर बुलाना है यार, क्योंकि हम इतने सालों से उनको फॉलो जब कर रही होती है, उनके यू नो जब काम देख रहे होते हैं लोग, तो हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, मैं सीनियर तो नहीं बोलूँगा, बहुत सीनियर भी नहीं है, बट हमारे लेजेंडरी एक्टर्स और हमारे बहुत से ऐसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट जो इस फील्ड में मौजूद हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और जो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं और बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको दिखाई भी देते हैं, एंड वी हैव ग्रोन वॉचिंग दैम बेसिकली। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये सिलसिला भी शुरू करेंगे कि हमारे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, हमारे जो ऐसे एक्टर्स जो आप लोगों के पसंदीदा हैं और जो कैरेक्टर रोल्स भी करते हैं, पेरेंट्स के रोल्स भी करते हैं लेकिन हैवी ड्यूटी रोल्स करते हैं, उनसे भी मिलाएंगे। तो देखते हैं आज के गेस्ट कौन हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि मेरा तो अपने तमाम दोस्तों से रिलेशनशिप है और इस फील्ड में जितने भी हमारे एक्टर्स हैं मेरे, वो बहुत प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है और उनको मुझसे भी यकीनन प्यार है, और अगर थोड़ा कम भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ लोगों से प्यार। तो मेरा दिल करता है कि मैं इस फील्ड के तमाम लोग जो हैं उनको यहाँ पर बुलाऊँ, और आज जिन ख़वातीन को मिलवाने वाला हूँ आपसे, इंतहाई प्यारी, इंतहाई ज़बरदस्त ख़वातीन हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला उनकी बातें सुन के। बहुत अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो आज हम पूछेंगे कि इतनी ज़बरदस्त फिटनेस का, इतने प्यारे होने का, इतनी अच्छी एक्टिंग करने का, इतना अच्छा काम करने का राज क्या है भाई, और लोग इतना प्यार करते हैं यार, हैरत है, मुझे तो हैरानी हुई कि लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग हैं भी प्यार के काबिल। तो सबसे पहले बुलाएंगे हम हमारी फेवरेट सबा फैसल। कैसे हैं आप? So good to see you. खैरियत से? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बैठे, तशरीफ रखें। थैंक यू। एज ऑलवेज जबरदस्त लग रही हैं यार, माशाल्लाह। अभी पूछूंगा सारे राज जो हैं खूबसूरती के, एक्टिंग के, सब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट गेस्ट को बुलाएं। बिल्कुल, आपकी भी दोस्त हैं वो? मेरी तो सारी इंडस्ट्री में जितनी माएं हैं ना, सारी दोस्त हैं। अच्छा जनाब, ये माएं मैंने नहीं बोला था, ये इन्होंने बोला है माएं। माँ जो है वो इज्जत की जगह है जनाब, बिल्कुल अच्छी अच्छी हमारी माएं, इतनी प्यारी प्यारी माएं बनती हैं यार, और इतनी यंग एज में माएं बन जाती है कि कभी कभी परेशान होते हैं कि इस हीरो के साथ काम करना या नहीं करना, माँ बनूंगी इस हीरो की, ये तो 5 साल छोटा है मुझसे, ये भी होता है कभी कभी। अच्छा आगे बढ़ते जनाब, नेक्स्ट गेस्ट हमारी है आपकी हमारी बहुत फेवरेट निदा मुमताज। क्या हाल है निदा? ठीक है आप? अच्छा मैं अब आप लोगों को ना आपा वापा बिल्कुल नहीं कहना भाई। ये देखिए, ये इन्होंने खुद बोला मुझे कि खबरदार शोपे में आपा वापा बोला, तो हमने हमारे इंट्रो में सुन लिया था कि मेरी अम्मी बहुत खुश होने वाली, वो तो एक अलग सी बात है, लेकिन तुम नहीं कहोगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मी इसलिए खुश होने वाली है कि वो एक एविड व्यूअर है ड्रामा की, और हम लोग जरा कभी कभी मिस भी कर देते हैं, लेकिन जो एविड व्यूअर होता है ना, जो हर वक्त देखता है, वो तो क्रेजी है बस आप लोगों के लिए, शी इज क्रेजी। अच्छा तीसरी हमारी जो जबरदस्त, आज तीन तीन गेस्ट हैं भाई, आज जबरदस्त एक प्लेटर हमने बनाया है जबरदस्त किस्म का, तो उनको बगैर किसी डिले के बुलाते हैं, और मैं कहता हूं कि यार वो तो मतलब एंड हो गया ना उनकी स्मार्टनेस पे, तो मतलब एंड, यानी लड़कियां जेलस हो जाती हैं कभी, लड़कियां जेलस हो जाती हैं, देखें, और नॉट दैट शी इज वेरी ओल्ड, शी इज स्टिल वेरी यंग, बट शी इज केप्ट हरसेल्फ सो वेल,
पता नहीं कैसे यार, आज तो मैं पूछ के छोड़ूंगा, मैं तो देखा ही नहीं कि अपने आप को किस तरह इतना अच्छा। तो बुला लेते हैं बगैर किसी डिले के सीमी पाशा, आइए जी। दूर से सीने से उतरते हुए लगा कोई हीरोइन, कोई मॉडल कैटवॉक करती हुई आ रही। प्लीज बैठिए, आदत है ऐसा, एक अलग ही वॉक है। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और क्योंकि मैं फीडबैक के ऊपर चलता हूँ इस शो पे, जितना भी फीडबैक आता है हमें लोग बताते हैं कि हमने किससे मिलना है, और अगर अवेलेबिलिटी हो आर्टिस्ट की तो उनको हम बुला लेते हैं। या बहुत से एक्टर्स या आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं, सब लोग मुझे खुद, दे आर लाइकिंग द शो। नहीं मैं आपको बताऊं, आप लोगों की फरमाइश पर बुलाते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तो अपनी फरमाइश पर आई हूँ, क्योंकि मुझे एहसन का शो इतना पसंद है, मैं देखती हूँ और मैंने सारे शोज देखे, और मेरा दिल चाहा कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं, और मैंने खुद कहा कि एहसन मैं तुम्हारे शो में आना। थैंक यू सबा जी, बहुत शुक्रिया, तीनों का बहुत शुक्रिया आने का, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। लोगों, आपको पता है मुझे जिस तरह आपने फोन करके शो की तारीफ की, इस तरह हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, कॉलीग्स हैं मेरे, वो सब लोग शो की तारीफ करते हैं फोन करके, क्योंकि शायद आई डोंट नो, इट्स सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू ऑल, दोस्ती है सबसे। तो लोग जो फीडबैक देते हैं, मैंने अपना ये सोचा हुआ था कि जो हमारी मदर्स बनती हैं या जो हमारे फादर्स बनते हैं या जो हमारे दूसरे एक्टर्स हैं, जरा निदा देख रहे हैं, हाँ मदर मदर के तो अच्छा। वैसे ये कभी मैंने शुरू में बोला, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे हीरो के साथ ऑफर हुआ है, सच झूठ नहीं बोलना, ऐसे हीरो के साथ ऑफर हुआ और सोचा हुआ कि यार ये मैं इसकी माँ बनूंगी, ये तो मेरे जितना ही है, मुझसे 2 साल छोटा होगा, हुआ ऐसा? ऐसा कोई 11 साल 12 साल पहले जो मैंने एक प्ले किया था ना, उसमें मैं हुमायूं सईद की माँ बनी थी। अच्छा, हाँ, जो कि एक बड़ी ही हैरत अंगेज बात है। तो मैं तो 12 साल पहले हुमायूं तो बहुत आगे, यार क्या कह रही हैं, हाँ, मैं उसकी माँ बनी थी भाई। अच्छा, तो होता ही है, उससे ज्यादा यंग है, ये बताना चाह रही है, तो समझ नहीं, ये कहना चाह रही है, आपके साथ ऐसा हुआ सीधी? हाँ, मैं हुमायूं की माँ बनी हूँ, और मुझे मसला नहीं है, दादी बना दो, माँ बना दो, दादी परदादी, उसकी भी परदादी बना दो, मुझे इस अच्छा, चीज़ मैंने से कोई ये सवाल पता ही किया, मैं नाम नहीं रहना चाहता, एक हमारा प्ले शुरू हो गया और 2 सीन भी हमने कर लिए, और मेरी उनके साथ गुफ्तगू, बहुत अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर उसी शाम जाके फोन किया प्रोड्यूसर को कि आई कांट बिकम एसेंस मदर, तो फिर नेक्स्ट हमने किसी और को कास्ट किया। अरे नहीं नहीं, ये है वैसे ही प्रॉब्लम है हमारी बहुत सारी, और वो बहुत प्यारी है, मुझे अच्छा लगा लोगों उनमें, मतलब वो था कि माँ नहीं बनना मैंने। आप बताएं, आप तो बड़े अरसे बाद आई हैं, गैप के बाद, तो बड़े अरसे के बाद आई, जो मेरे साथ जो मेरे कुलीग थे जो मेरे साथ लीड करते थे, और मैं जब आई हूँ तो मुझे सबने आके कहना आपा एक्सक्यूज मी, इनका आप लोग तो मेरे साथ काम करते थे, हम लोगों ने इकट्ठा लीड किया है, बिल्कुल। तो अब आपा कहाँ से जा रहा है, पता नहीं, एक नया हमारे ऊपर लेबल लगा दिया जी, आपा वो खुद छोटे बन जाते हैं, हम अम्माएं बन जाते हैं। अच्छा, इज्जत दे रहे होते हैं, नहीं अच्छा, इज्जत कुछ ज्यादा ही है यार। देखिए वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जिनके साथ एज अ हीरो हीरोइन काम किया, वो आपको फिर आपा, अच्छा निदा ने तो उस दौर में भी किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा किया हुआ है, और उसकी शूटिंग होती थी और मेरे साथ वाले घर में होती थी, मुझे एक ह्यूज घर था तकरीबन 8 किनाल का, रिमेम्बर दैट, और फिर मैंने वो प्ले देखा भी, उसमें बड़ी दो गुत्ते की नहीं है एक में, आपकी तो वालदा भी बहुत काम कर चुकी है, लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता या इन्होंने कभी बताया भी नहीं, बट मैं चाहूंगा अपनी वालदा के बारे में कुछ बताएं आप। अम्मा ने तो मूवीज बहुत की थी, और खैर उन्होंने तो बहुत काम किया, बहुत ज्यादा, मैं तो उनके उस पर नहीं स्केल पे जा सकती हूँ, सलमा मुमताज जी हाँ, और टीवी उन्होंने बस अयूब खावर का शायद या निसार अंकल का किया था, उन्होंने प्लेस किया था, लेकिन अम्मा के दौर के तो बहुत हिट मूवीज हैं, पुत्र दा प्यार, सुधीर लाला सुधीर उनके साथ, बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े एक्टर, और मेरे खालू हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने छोड़ के दिया काम एकदम से? यार बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मैं ठीक है, फिर सब बिजी, हाँ, बच्चे पालू ताकि फिर मैं आपा बन के आऊँ, ठीक है। अच्छा यार सबा जी, आप
सबा खाली सबा सबा जी नहीं प्लीज सबा सबा खाली अच्छा मुझे ये बताएं नहीं मुझे ये बताएं कि आप यू वर अ न्यूज़कास्टर सबको मालूम है आपके इंटरव्यूज में हर जगह सबको पता है कि और वैसे पता है ये मेरी बड़ी फैन थी अच्छा नहीं जब पीटीवी के दौर में जब मैं अनाउंसर थी तो ये प्लेस किया करती थी ना हम एक ही गाड़ी में जाया करते थे तो मैं इनको बड़ा ऐसे क्योंकि तब मुझे लगता था ड्रामा आर्टिस्ट किसी और दुनिया के लोग हैं तो मैं ऐसे देखा करती इसी दुनिया के हैं भाई जिसमें आप अब मैं आई हूँ तो मुझे पता है कि यार ये तो अपने ही लोग थे इतनी अच्छी एक्टिंग मैंने देखा कि अभी से नहीं आज अब नहीं यानी नॉट दैट यू लर्न्ड इन द फील्ड बट इवन व्हेन यू जॉइन द फील्ड तब भी इतने अच्छे अच्छे काम किए मुझे एक याद है प्ले शाहिद जहूर का जिसमें आप बेसमेंट में बंद कर देते हैं मलंगी प्ले था वो काफी साल पुराना प्ले है तकरीबन 7-8 साल वो मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा प्ले था उसमें इतना कमाल काम किया मैं समझती हूँ ऐसा इसमें मेरी इतनी ज्यादा वो नहीं है मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छे ऑफर हुए मुझे डायरेक्टर अच्छे जिनके साथ मैंने काम किया तो ये बहुत बड़ी एक आर्टिस्ट की कामयाबी होती है जरूरी होता कि उसे कैरेक्टर अच्छे मिले वो तो मेरा जो जिंदगी का सबसे पहला ड्रामा था चमक उसमें मुझे बहुत मुश्किल रोल मिला और मैंने पहला ही ड्रामा किया 20 साल पहले और उसके बाद आज तक ब्रेक नहीं ली माशाल्लाह और एक्सेप्टेंस जल्दी होगी अच्छा जी आप वो कितने साल हो गए काम करते जरा ये बताएं सीमी कितने साल याद भी है या नहीं मुझे याद नहीं है वैसे तुम्हें याद हो कि ना याद हो मैं मॉडलिंग शुरू की है 30 ओके उसके बाद 15 साल तक मॉडलिंग करती रही हूँ फिर मैं एक्टिंग में आई हूँ अभी आई थिंक 12-13 साल हुए हैं मुझे मॉडलिंग में ज्यादा मजा आता था या एक्टिंग में मॉडलिंग में इसी क्या वजह ऐसी मॉडलिंग में एफर्ट कम होती है बस गए और जल्दी से मॉडल करके पैसे वैसे लेके आ गए बहुत मुश्किल काम है यू थिंक इट्स डिफिकल्ट देन यार मुझे तो लगता है एक्टिंग बहुत मुश्किल है मुझे लगता है कि अपने आप को माइनस करना सबसे मुश्किल काम है एक्टिंग में तो आपको अपने आप को माइनस करके उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है तो मुझे ये लगता है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है लेकिन मॉडलिंग इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को नजर आती है बहुत बहुत क्या मुश्किल है मॉडलिंग में मतलब अगर नेचुरली कोई प्यारा हो पतला दुबला हो स्मार्ट हो बस जाके खड़े हो और उसको गाय की तरह खड़ा कर दे आप तो फिर क्या हो फिर उसमें स्टाइल वाइज जरूरी होता है ना बहुत जरूरी है अच्छा फैमिली से कभी किसी ने बोला कि बस कर दो यार काम छोड़ फैमिली ने देखा ही नहीं हैं नहीं देखा कभी बाकी नहीं देखा किसी को नहीं किसी को पता ही नहीं क्या बच्चे इंटरेस्टेड नहीं नहीं कोई नहीं अच्छा बाय द वे एक दिन मैं इनको ड्रॉप करने चला गया फिर उन्होंने मुझे बताया ये आपस की बात है चंदों को कि ये मेरे बेटे का पोर्शन है एक यहाँ मैं रहती हूँ इस पोर्शन में पूरी इन्होंने डिटेल मुझे बताई इन्होंने भी पूरा जो घर बनवाया फिर ये मैंने बहुओं को जरा कर दिया हाँ अपना खुद करिए ये सासे भी बड़ी बहुत जरूरी है आजकल के भाई हम जैसी तो सासे हो ही नहीं सकती जो सासे घर में होती नहीं जितनी देर रहती हैं घर को ऑर्गेनाइज करने पर लगी रहती हैं फिर कामों पर निकल आती हैं हमारी बहुएं बहुत लकी हैं ये तो बहुत लकी हैं तो हो सकता है आप लोग भी लकी ये बहुओं की बात करें आपका तो अभी कोई नहीं मेरा भी बहुत छोटा है अच्छा हो सकता है वो आप लोग लकी हो बहुएं अच्छी हो यार हाँ दोनों तरफ से अच्छा वो जो आजकल एक क्लिप वायरल हुआ है कि मिसेस खान का नहीं देखा वो जो कहती है कि खवातीन अब रोटियां बनानी चाहिए और ये उसके बारे में क्या ख्याल है आपका सीवी नहीं दोनों जो है ना वो बैलेंस करके चलेंगे ना मियां और बीवी आपस में तो जिंदगी बहुत अच्छी है और अगर वो जूतियां लगाने में लग जाएगी और तवा रखने में लगी रहेगी तो फिर क्या होता है कुछ अरसे तो ये चीज़ें चलती हैं फिर कुछ अरसे के बाद फेड अप होना लोग शुरू हो जाते हैं खासतौर पर बीवियाँ कहती हैं कि भाई ये क्या नौकरी है हमारी हम इसी में रह गए हैं हमारी कोई और लाइफ नहीं है बिल्कुल सही हर रोज एक ही चीज और साला साल करते रहना क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के बाद तो फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना आपका ज्यादा जहन बच्चों की तरफ चला जाता है सो ससुर सास मियाँ सेकेंडरी हो जाते हैं ठीक है तो बैलेंस शुरू से करके चलें तो फिर ये चीज बॉदर नहीं करती आगे जाके बिल्कुल सही है सबा बच्चों ने भी बोला कि हमने आना इस फील्ड में तो माशाल्लाह सादिया और दोनों बेटे भी सब हैं सब काम कर रहे हैं भाई बच्चों ने कहा कि हमने करना ही है इंस्पायर्ड बाय यू कह सकते हैं आपको लेकिन उनका तो था ही शुरू से ही था और मेरे साथ सादिया तो अक्सर सेट पर भी चली जाया करती थी तो वो इन्हीं लोगों में उसने बहुत टाइम गुजारा और फिर उसने कहा मैंने ड्रामों में करना है काम मैंने कहा बिल्कुल करो
तो मैंने मैं कहा शादी कर दूंगी टाइम पर, उसके बाद हस्बैंड की मर्जी से जो मर्जी, शादी हो गई टाइम पर, अब हस्बैंड की मर्जी से वो मॉडलिंग भी कर रही है, वो ड्रामे भी कर रही है, अपने बेटे को भी संभाल रही है, तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। बिल्कुल है, मैं देखता हूँ, हम एक दूसरे को मिलते भी रहते हैं। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं, अब वालदा इतनी बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और बचपन से एक माहौल भी देखा होगा घर में, एक्टिंग का पता होगा, सेट्स पे क्या होता है उसके बारे में पता होगा, फिर इन योर यूथ वेरी यंग एज यू स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो, और फिर बीच में गैप आया, नाउ यू आर बैक, और शायद बहुत से लोगों को, क्योंकि जनरेशन मुझे लगता है हर डेकेड से पहले या डेकेड के बाद चेंज हो जाती है टोटली, और 10 20 15 साल में लोग भूल भी जाते हैं, बहुत से लोगों को आपको पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं, ये होता है। तो वापस आके कुछ फील हुआ कुछ नहीं? मेरे साथ मैं जब बेटी मैंने ए लेवल कर लिया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अब मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी अब ख़त्म हो गई, अब तुम मेच्योर हो गई हो, अब आगे तुम बढ़ सकती हो, कर सकती हो। उसने कहा हाँ अम्मा आप कर लें। फिर हसन ज़िया मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको मैंने कॉल की, बड़े अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं, हसन ज़िया वेरी गुड प्रोड्यूसर है, वो अक्सर मुझे कॉल किया करते हैं, निंदा कर लो यार, अब काम कर लो, शुरू कर लो, कर लो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी, क्योंकि हस्बैंड भी कुछ थोड़ा सा था कि नहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर करना, अभी मत करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं वापस आई तो मेरे पास जो एक दो नंबर थे जिसमें हमायूं था, हमायूं सईद, एजाज असलम, मुझे पता चला कि ये लोग अपनी प्रोडक्शंस करें क्योंकि मैं तो इनको जानती थी। बिल्कुल। तो मैंने इनको मैसेज किया, फिर उन्होंने कहा जी आप अपनी पिक्चर भेजें। ठीक है। मैंने कहा भाई वो ये देखना चाह रहे थे कि अब मतलब कैसी, पहले तो बड़ी प्यारी थी, अभी प्यारी है, लेकिन अब कैसी है? मैंने कहा उनको भेजी, उन्होंने हाँ बहुत प्यारी लग रही हो, बस ये जवाब आया, बहुत प्यारी, सुन ले एजाज, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने लेकिन मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने हसन के, जब मैंने फ़ोन किया हसन को तो मैंने कहा हसन मुझे काम करना है, तो उसने फ़ौरन कहा कि तुम ऑफिस आ जाओ। मैं गई, उसने कहा कि ये स्क्रिप्ट है आप इसमें से, अब तुम हीरोइन तो नहीं आ सकती हो, करेक्टर रोल करोगे। तो मैंने कहा जाहिर है मुझे पता है कि मैं अब लीड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, मैं करेक्टर रोल कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो हसन के प्लेस से फिर मैंने स्टार्ट किया, ज़बरदस्त, और मुझे उसने कम बैक दिया। और अब यकीन करें मैं सीरियल रिलीज हो गया हसन का और मैं हसन को फ़ोन करके पूछ रही हूँ, मैंने कहा हसन मुझे कहीं से अभी ऑफर नहीं आई है, लोग देख के भी मुझे नहीं लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीएडजस्ट इन द फील्ड। आप मैं सोच सकते हैं कि जब मैं किसी के एक ऑफिस गई, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने कहा जी कौन निदा मुमताज, अब मैं तो इतनी शर्मिंदा मैं बैठ गई, मैंने कहा अल्लाह मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब मैं क्या करूं। नहीं इसमें मुझे लगता है कि किसी का एक नहीं है कोई फॉल्ट, दस अब देखिए ना इस टाइम जो बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर 5-7 साल के हैं और आप काम छोड़ गई और आप 15 साल में वापस आती, वो बच्चे अगर 20 साल के होंगे तो वो आपको कैसे पहचानेंगे? सो इट्स नॉट, बट जो लोग वैल्यू देते हैं, कदर करते हैं, उनको सारा मालूम होता है, क्योंकि मुझे जैसे आपका मालूम है, इन लोगों का सबका मालूम है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी का वक्त किसी फील्ड में देता है तो उसको वैल्यू देना, कदर उसकी करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने उनसे, मैं तो अक्सर कहती थी, मैंने फ़ोन, मैंने कहा आप एक काम करें, मैंने कहा आप गूगल में देख लें, ठीक है सब निकल आएगा, सब निकल आएगा, मैंने अच्छा, क्या किया है और क्या नहीं। मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, कभी इस एज में, यानी इस एज में फिर कह रहा हूँ, यंग है, बहुत यंग है, किस एज की बात है यार, किस एज की बात है, अच्छा चलो छोड़, इस एज को छोड़, क्या हो रहा है, नहीं जा रही है, नहीं किसी ने, दिस इज नॉट ऑन, अच्छा ठीक है, किसी ने, एक मिनट किसी ने ये ऑफर, अच्छा मैं ये पूछने लगा था, किसी ने प्रपोज किया कभी के, अच्छा ये बातें आप लाइव तो नहीं बताएंगे ना, या अच्छा कि मना कर दिया होगा ना, जाहिर है जवान बच्चे तो मना ही किया होगा इन्होंने, और मैं तो जानता हूँ आप लोगों, लेकिन कभी जाहिर है भाई ये? क्यों नहीं किया होगा अच्छा तो कैसे जान छुड़ाई यार, ये तो बड़ा मुश्किल है कि इतनी प्यारी है, मतलब कैसे जान छुड़ाना, कितना मुश्किल है यार। हाँ जान छुड़ाना मुश्किल है तो, लेकिन जब आप एक ही फील्ड में होते हैं ना, फिर लड़ाइयाँ तो नहीं ली जा सकती, तो फिर आप बस आराम से बंदा कहता है, बंदा कहता है ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा आप जरा बताएं जी क्या कुछ कहा है कोई फील्ड से बाहर, चलो फील्ड से बाहर किसी ने कभी ऐसे प्रपोज कर दिया? नहीं प्रपोज तो नहीं करते, लाइकिंग है लोगों की, जाहिर है हम एक शोबिज से हमारा ताल्लुक है, सो होता रहता है, चलता रहता है। क्या तो फिर रिस्पांस किस तरह, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? बहुत ही खतरनाक, थप्पड़ तो नहीं लगा? बहुत खतरनाक। हाँ नहीं यार
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे किसी ने इस तरह प्रपोज किया हो, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और बच्चे तो मेरे भी गरीब माई बन गई तो लोगों ने कहा कि हाँ बस ये तो बाकी बुजुर्ग हो गया, किसको प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने सुना गुस्सा बहुत आता है आपको। यकीन करें, हम लोग इकट्ठे 3 सीरियल कर रहे हैं और हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत आपस में तो बात कर रहे हैं कि घर ये जरा इनका एक वो कहते हैं ना डाडापन जो है वो है, आपको मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन जब गुस्सा आता है जरा, पता है जब गुस्सा आता है ना तो बस फिर बहुत बुरा आता है, अव्वल तो नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो बस फिर छप्पड़ फार आता है गुस्सा। अच्छा। तो उसमें फिर लेकिन पता है मेरा गुस्सा कैसा है ऐसा, मैं इस पिच पे जाती हूँ और दूसरे लम्हे में ऐसे आ जाती हूँ, मेरा गुस्सा ऐसा है, ऐसे आता है और ऐसे, क्योंकि जो लोग दिल के साफ होते हैं ना वो ऐसे ही इसी तरह ही होता है उनके साथ। आपके साथ भी ऐसा होता है? ये हंस रही है, इनका गुस्सा आता है जाता ही नहीं है, मुझे पता है सीमी का गुस्सा जाता ही नहीं है, नहीं जाता गुस्सा, कम आता है गुस्सा, लेकिन हाँ थोड़ा सा नहीं मैं मुझे तो नहीं लगता, हमने तो बड़ा टाइम साथ गुजारा दोस्तों के साथ, ये ऑफ हो जाती है थोड़ी देर के लिए, नहीं मेरे साथ यानी दोस्तों के साथ रिलेशनशिप और है ना, दोस्तों के साथ थोड़ी वो होता है, नहीं लेकिन हमने साथ टाइम बड़ा गुजारा ना, मैंने नहीं देखा कभी सीमी को बहुत गुस्से में। अच्छा निदा, कोई ऐसा कैरेक्टर आप बताइए जो करना है आपके, यार अब ये वाला मुझे करना है। ऐसे बहुत से हैं अभी तो, like which one is your like jo aisa ho ke yaar ye main jab karungi to bas bada maza aayega। mere khayal mein abhi to hum log jo kar rahe hain wo takriban wahi character jo kar rahe hain character hai, dadi ka bhi maine nahi kiya hai aur agar wo kehte hain to wo kar leti hu। theek hai, bahut buzurg wala jisse bahut buzurg banne ki, theek hai koi masla nahi। aap kya karna hai? meri koi khwahish nahi hai, कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, मैं जिस तरह काम कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? कितनी हम्बल लग रही है ना, तो होगा ना, बातें सुने तो ऐसे लग रहा है कि ये खातून की कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, ये खातून नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग ना इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये बस शौक से कभी कभी करती है, बस ये तो है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, यही है ये एक्टिंग करी ना या बैठ के, मैं बड़ी कूल हूँ मुझे एक्टिंग एक्टिंग की जरूरत नहीं है, ये इस वक्त एक्टिंग कर रही है, ये सबा जानती है। शौक के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता, ये किया ही नहीं जा सकता। रातों को शूटिंग, अभी मुझे बोल रही है मैंने जाना है शूट पे, शो कब खत्म होगा ये देखो, इतनी मजदूरी कौन करता है भाई, कोई शौक पैशन के साथ ही होती है इतनी मजदूरी। अच्छा जनाब, गपशप हमारी जा रही है लेकिन अगला सेगमेंट इनके साथ बड़ा मजे का हो जाएगा, तो चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अच्छा ये सेगमेंट क्योंकि बड़ा मजे का होता है, एक्टर्स आते हैं और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हों और एक्टिंग ना हम कराएं तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि आप में से पहले कौन जाना चाहेगा, ये तीनों जो सबा 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 आए जाए जाए आए नेक्स्ट। अच्छा नंबर चूज करेंगी, पहले चूज करती है निदा, कौन से नंबर को जो है वो सबा निकालें ये बताएं। 1 नंबर 1 निकालें ये। अच्छा जी, ये गाना है, ये, मुहावरा है, क्या है? नहीं ये मुहावरा भी नहीं लग रहा मुझे तो, ये कुछ अच्छा ही गाना है, ठीक है, ये हमारे बहुत बहुत मशहूर सिंगर है उसका गाना। हाँ। अब दोनों में से कौन गेस करता है ये देखते हैं। पहला लफ्ज है, पहला लफ्ज है, हाँ, हाँ, बोल। हाँ, हाँ, लेकिन इसके साथ और बोलो ना, ये कौन सा बोलो ना, अच्छा पूरा बोलो, सही बोला आपने, बोलो सही, ठीक है बोलो, पहला लफ्ज, दूसरा लफ्ज बोले, दूसरा भी बोलो, दूसरा ही बोलो, हो गया ठीक, बोलो ना बोलो, नहीं सुन तो ले पूरा। हाँ, ये क्या लफ्ज है, बोले पूछे क्या लफ्ज है, सीमी कम ऑन, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही, बोलो बोलो तुम, हाँ बोलो बोलो, बोलो, बोलो तुम कहाँ कहाँ गए, इधर देखे मेरी तरफ बोलो 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 तुमने ये क्या क्या किया, नहीं ये क्या सवाल कर रही, ये क्या सवाल कर रही, क्या क्या क्या
देखा कौन सा गाना है, कौन सा गाना है, गाना सुनाए, गाना सुनाए। Very nice. ये किसने पूछा दोनों में से? मैंने। अच्छा चलो आप दूसरा नंबर चूज करें, सिमी आपकी बारी, नंबर चूज करें। नंबर सिक्स। नंबर सिक्स मैं तो गई। अच्छा जी मुहावरा है, मुहावरा। ये मुहावरा है, ठीक है, मुहावरा बहुत आसान है, बहुत सुना होता है। पहला मुहावरे का है एक सिंगल, ये आंख, आंख तले अंधेरा, नहीं एक ही लफ्ज है ना, आंख, आंख ओजन, हाँ हाँ बहुत अच्छा गाना है ये। क्या एक बड़ा, एक अच्छा लिप तो मैं, कम यार ये तो लिप सिंकिंग हो जाएगी। अच्छा मैं नहीं, हाँ, और मेरा, अच्छा एक मेरा शहजादा कब आएगा, हाँ? क्या क्या मेरा शहजादा कब आएगा, ये कौन सा गाना है? हाँ नेदा आपको पता लग गया? नहीं। अच्छा अच्छा तीसरा लफ्ज क्या है? ये है, ये मेरा, मेरे गाना है। अच्छा तीसरा लफ्ज बताते हैं, तीसरा लफ्ज क्या है? ये है ना, ये क्या, ये है? क्या, ये कमर, क्या कमर, हाँ, हाँ, तीसरा लफ्ज कमर है। पहला मेरे, मेरे मेरे रक्षे 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 मेरे रक्षे कमर। थोड़ी बहुत एक्टिंग आ गई है मुझे भी सबा। आए जी, नेक्स्ट टेन। आसान है ये, मुहावरा है, कहावत भी है। अच्छा। मुहावरा कहावत, अच्छा आगे, हाँ आगे हो गया, पहला लफ्ज, पहला लफ्ज आगे, आगे आगे कुआं, मैं आपा वाली एक्टिंग करूंगी। चलो जी, ओके जी, हाँ नंबर फोर। नंबर फोर, बहुत अच्छा है, बड़ा मजे का। डन डन डन, क्या है मुहावरा? मुहावरा गाना है, गाना है। अच्छा क्या गाना है? हाँ नच, ओ ये बोल गए, बोला क्यों है? बोला नहीं, पहला एक को गेस कर रहे थे, पहला क्या है? नच, एक मिनट, एक मिनट, नहीं यार इशारे नहीं कर रहे, नहीं इशारे। पहला क्या लफ्ज है? नच, नच बतासे, एक्टिंग करके बताओ यार, क्या एक्टिंग है? एक फिल्म भी थी उस नाम की, अगला नंबर क्या है? अच्छा सेवन। सेवन, ओह गॉड, ये कहावत है, कहावत भी होती है, मुहावरा टाइप। मुहावरा समथिंग। अच्छा कितने कितने वर्ड्स, कितने हैं? चार है, चार है। अच्छा पहला बताएं। नहीं, लफ्ज़ तो सेवन, सेवन वर्ड्स हैं। पहला पहला लफ्ज़ है, पहला बताएं, चार, हाँ हाँ चार। अगला कदम, नहीं कछुआ, यार ये मुंह से इशारे कर रही, ये तीनों जो खवातीन है कितनी बेईमान है, ये मुंह से एक दूसरे को बता रही।
चूहा चला हंस की चाल। नहीं, नहीं, नहीं। चूहा तो नहीं चलता। नहीं, चूहा नहीं चलता। दोबारा देख ले। आप सही तरह बताएं। चार क्या? चार चूहे घर से चले करने चले शिकार। यार वेरी गुड यार, यार ये तो कमाल हो गया। आज समझ आ गई ना मेरी। यार ये तो जरा ये चार चूहे का ये क्या था? ये क्या था वैसे? जैसे आप इसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम ना बूझें। वो तो हम लोग हैं। मैं इस मामले में बहुत नालायक हूं। मतलब क्या चार ये चूहे चलने चूहे चलते ना वो निकलते हैं ना गुड्डों में से। अब आपको क्या लगता है वो चूहा बन के फिरने लग सकती है यहाँ पे? अच्छा इसमें मतलब किसके इनाम किस ये तो किस मुझे नहीं पता कि तीनों मजे हमारे प्रोड्यूसर अभी बताएंगे, लेकिन अगला सेगमेंट भी बड़ा मजा है। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा जनाब ये सेगमेंट बड़ा मजा है क्योंकि तीन हमारे पास ये ब्यूटीफुल गर्ल्स बैठी हुई हैं। तो सर देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल गर्ल्स जो हैं ये हमने कभी इनको गानों में डांस करते हुए या इनको गाने पर चराइज करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज देखते हैं कि एक्टिंग कौन ज्यादा अच्छी करती है तीनों में से गानों पर। तो पहले सीमी की बारी है। ओके ठीक है ठीक है, चलाएं जी सीमी का गाना। अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है। नेक्स्ट गाना निदा का। निदा आपकी बारी। ओके देखिए सबा फैसल के जो एक्शन है ना जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत आला जनाब। अच्छा जरा इन्होंने लीड करना है ना। क्या बात है जी, यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक का दिल नहीं कर रहा, दो मिनट में वापस आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे मेरे साथ। ये देखते रहिए बोल नाइट्स विद अहसन खान। निदा ने पहले ही पकड़ लिया आई हैव, यानी मैं जो चीज पूछ रही थी हाँ मैंने की हुई ये चीज। अच्छा पहला सवाल है, तीनों से बारी बारी जवाब देंगे। सबा आप पहला जवाब देंगी, फिर सीमी आप देंगी, फिर निदा आप देंगी जवाब। ठीक है जनाब, सबा ये बताइए मैंने अपनी असल एज छुपा के रखी हुई है। नेवर नेवर नेवर, क्या बात है यार, ये तो सुना था लड़कियां सारी अपनी एज छुपाती, ये नहीं छुपाती। ठीक है जी, जो बताने वाली थी ना वो सच बताई। आपने क्या बोला? मैंने कहा इतने बुड्ढे बुड्ढों की अम्माएं आती हैं तो अपनी एज क्या छुपाएंगे। सही, अब क्या जरूरत है? कभी सेट पर झगड़ा हुआ है? हुआ है। नेवर नेवर, ये इस टेन्योर की बात करिए, पहले भी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। ठीक है, मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। और आपको आइडिया इस बात का? नहीं बस किया है, कोई इतना खास शौक नहीं था।
कितनी फिल्में की हैं ना? मेरे ख्याल में कोई 10-12 फिल्में की हैं। और उस जमाने में जब फिल्में देखी जाती हैं। हाँ। फिर भी कह रही हैं शौक नहीं। मतलब ऐसे कोई खास शौक नहीं था कि मुझे बहुत जरूरी करना, क्योंकि मेरा बैट लग गया था कि जब मैं इन हुई थी तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हीरो, तगड़ी तगड़ी हीरोइंस पंजाबी की। और एक बीच में मासूम सी बच्ची सी जिसको ना डांस आता था ना कुछ, अब मैं यूं देखती हूँ सुल्तान रही हो। अच्छा, कौन से हीरो के साथ ज्यादा काम किया? मैंने इस्माइल शाह के साथ किया, फिर एक हमारे बाबर थे उनके साथ किया, और शान के साथ भी किया। जब शान हमारा जो हीरो है, हाँ हाँ। जब उसने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो कौन सी फिल्म थी वो? यार मुझे उसका नाम याद नहीं, डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी थे। बहुत मशहूर डायरेक्टर है इकबाल कश्मीरी, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। अच्छा, यू वर शान्स हीरो इन दैट फिल्म, ओके जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, कभी किसी यंग एक्टर ने लाइन मारी है? अक्सर उसमें दी, हाँ, आई हैव से मतलब ही हैज यंग एक्टर लाइन मारी है? Never. इतना झूठ बोल रही है बैठी भी। मैं झूठ नहीं बोल रही सभा, मैंने कभी किसी ने लाइन सीमी मैं शोबिज में कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, शोबिज के बाहर? हाँ जी, आप बताएं। हाँ, यंग एक्टर ने बिल्कुल कहा होगा, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बोलना चाहिए भाई। वो उनकी लाइन मारनी थी ना, उन्होंने हरकत की है गलत, खुद तो आपने थोड़ी किया। सही है जी, रुकी हुई पेमेंट निकलवाने के लिए प्रोड्यूसर की झूठी तारीफ की है सबा? ओए कभी नहीं की है। मैं तो प्रोड्यूसर से बात ही नहीं करती। की है? नेवर। रुकी हुई पेमेंट निकलवाने के लिए हमने तो गुस्से से फोन किए हैं, मैं तो फोन किए और बाकी काम नहीं करवाएंगे, पेमेंट दें, इस तरह के फोन जरूर किए हैं, लेकिन बिल्कुल तौबा करें, झूठी तारीफ क्यों सी? कभी नहीं, कभी किसी नहीं हुआ कि पेमेंट नहीं आई जी अभी तक, क्यों नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे छुप छुपा के वेट लॉस की ट्रेनिंग और जो पूरा एक रिजीम होती है वो फॉलो की है? नहीं। वैसे मैंने देखा खाने पीने की बहुत शौकीन है। हाँ, तो क्या और इतना अच्छा पकाती है यार, मैं तो उनके खाने भी खाते हैं, तो फिर क्या करें। सही है, अब जिंदगी एक मिली है, उसमें भी आप तरस तरस के ये सब खाती है। अच्छा फिटनेस क्या है, टिप क्या है यार, लोग सुन रहे सब खातन देख रही, क्या फिटनेस? किड मील खाती है बस, और खिलाती भी है। हाँ क्या जी? हाँ मतलब वहाँ कहीं हम बाहर जब गए तो इन्होंने कहा कि, मैंने कहा सीमी ले आए, मैं बैठी हुई टेबल पर, तो वो छोटे छोटे से बर्गर आ गए। मैंने कहा सीमी ये क्या? सबा यही खाओ, यही खाते हैं। मैं तो एक सेकंड में खा चुकी हूँ, मेरा पेट भर गया सब कुछ, तो ये है इनकी। ये आराम आराम से किडीज मील खाती है सीमी पाशा ये। अच्छा आप कोई डाइट रूटीन फॉलो करती? आजकल थोड़ा सा कर रही हूँ। अच्छा वेट कम रहे तो देती है, बता भी देती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि सबको ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्रीन पे आना है। क्या क्या करती? बस आप डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, बस उतना खाएंगे जितना हम लोग ठीक है, ठीक लगे, फिट लगे, ऑब्वियसली स्क्रीन पे बेहतर लगते हैं अगर आप फिट आप, यू आल्सो फॉर योर हेल्थ यू फील गुड आल्सो, कि आप खुद भी ठीक है जी। कभी किसी को फोन करके गालियां दी हैं? अल्लाह ये तो पूछने की बात है, बहुत दफा दी होंगी। मेरे का कहने लगी है ये कोई पूछने का सवाल है, कभी नहीं होगा। नहीं, कई दफा दी होंगी किसी ना किसी बात पर, कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी। मेरे कहना मैं तो आज तक कभी गाली नहीं निकाली। टेलर को सबसे ज्यादा पड़ती हैं गालियां, क्यों नहीं? टेलर को कभी नहीं गुस्सा किया आपने भी? नहीं, कसम से झूठ बोल रही है, टेलर को किसी खातून ने गाली ना निकाली हुई, मैं मानती हूं। मैंने नहीं, मैंने कभी किसी को गाली निकाली होगी कभी जिंदगी में फोन करके? किसे तंग किया होगा उसको? बात करने के बाद निकाली है। बात करने के बाद मतलब कि ये बहुत ही घटिया इंसान था, मैंने बात क्यों की है इसे, ये वाली ना। हाँ सीमी महफिल में टेलर से वो काम भी नहीं ना, वो ये खुद ही डिजाइनर है, खुद ही टेलर है, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा जबरदस्ती किसी के खाने की झूठी तारीफ की है? वो तो अक्सर करनी पड़ती है, बहुत दफा। क्यों खा You have. क्यों झूठी तारीफ क्यों खाने? दिल रखने के लिए। अच्छा दिल, ताकि उस बेचारे का दिल ना टूटे। इतनी मोहब्बत से अगर खाने पर बुलाए, इतनी मोहब्बत से डाल के दे, डिश में से निकाल के प्लेट में डाले, तो वो फिर करनी पड़ती है तारीफ। ठीक, कभी ऐसा होगा कि किसी एक्टर के साथ काम करने का दिल नहीं करा लेकिन फिर भी किया है? बड़ी दफा हुआ। बहुत दफा। अच्छा बाकी उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करा लेकिन काम। शक्ल आप यकीन करें बाज दफा तो बस यूं देखना पड़ता है ऊपर के, बस आंखों में भी ना बंदा देखे। मैं ब्रेक में जानना चाहूंगा, कौन इंसान इतना इनको जहर लगता है जिसका काम
लेकिन नहीं नहीं बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं, इंसान ही है ना, जैसे आम जिंदगी में स्मेल भी आ जाती है कभी, किसी के हाथ पकड़े सिगरेट की स्मेल आ जाती है, वो तो बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा आपकी वजह तो स्मेल होगी, आपकी क्या वजह, क्यों क्यों नहीं? स्मेल तो बहुत बड़ी रीजन है, कुछ लोग नहीं पसंद आते हैं। नहीं ठीक है, नेचर वाइज भी स्मेल भी है, प्लस आपको कुछ लोग नहीं अच्छे, कुछ इरिटेट कर देते हैं उनकी बात, आपको फील होता है कि ये बंदा ना कुछ नेगेटिविटी इसमें से आ रही है। अच्छा क्योंकि आर्टिस्ट बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, तो वो जो फौरन पता, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो एक्सरे मशीन बन जाते हैं ना जब आप, तो वो जिंदगी खतरनाक होती है, दूसरों के अंदर बाहर से पहचान होते कि यार ये है मुश्किल, ऐसे बड़े हम लोग वैसे बड़े मुश्किल लोग, बहुत मुश्किल, चिड़िया के पर गिनने वो हम सीख जाते हैं। सही है, जाहिर इतने लोगों से मिलते हैं तजर्बा हो जाता है। अच्छा किसी को अपना गलत नंबर दिया है कभी? इन दोनों ने कभी जान छुड़ाने के लिए? नहीं कभी नहीं, मैंने तो किसी ने ऐसे बंद कर दो फोन, जान छुड़ा ब्लॉक कर दो। अब वैसे ये फोन एक ऐसी चीज है जो आप ना रिसीव करना चाहे ना तो आप नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे कर्टसी में भी आप किसी को कहते ना कि देना नहीं भी देना चाह रहे आप नंबर और आप चाहते नहीं कि उसका फोन नंबर आपके फोन पे आया? नहीं नहीं नहीं, फोन नंबर तो कभी गलत नहीं दिया, दे दिया बट उसको फिर ब्लॉक कर दिया। हम लोगों के फोन नंबर गलत हो ही नहीं सकते, सबको पता चल जाता है नंबर का, इसलिए। किसी से मुलाकात हुई हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई मशहूर इंसान हो या मिलता रहता हो और उससे मुलाकात हुई और उसका नाम भूल गए? ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, अक्सर। मेरी कोई इतनी अच्छी फ्रेंड भी मुझे मिल जाएगी बाजार में तो मैं कहूँगी जी मेरी जान कैसी हो, और सुनाओ जान जानू पता नहीं क्या क्या कह के नाम नहीं आ रहा यार, ये तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे साथ भी बहुत होता है, जो रिश्तेदार होते हैं उनके भी नाम भूल जाते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ किसी का फोन आया और उसने कहा आपने हमें पहचाना? बहुत तो गुस्सा आता है ना, मैं तो फौरन कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई अपना नाम बता दे मैं फोन बंद करने लगी हूँ, क्योंकि वो जो पहचानने वाले में टाइम जाया करते हैं। आपने पहचाना, मतलब इंसान पूछे कि 50 फोन आते हैं दिन में और आपने अगर 2 साल बाद फोन पूछा आपने हमें पहचाना, कैसे पहचानेंगे? नहीं नहीं वो तो गुस्सा आ जाता है। कभी मियां को डांटा? कई दफा। तो ये उठा के बोले ना है? हाँ मतलब मियां डांट सकते हैं तो बीवी नहीं डांट सकती, डांटा है कई दफा, ये गुस्सा में कहते हैं घर में गुस्सा। सीमी आपने डांटा? Never. हाँ नहीं बस इसने डांटा। अच्छा निदा ने डांटा? नहीं नहीं निदा ने... ये कितनी अच्छी बीवी है इसका, तो मियां से डांट खाई? हाँ कितनी फौरन उठाया निदा ने, खाली। अच्छा, मैंने भी खाई है। हाँ अच्छा मियां ने मियां को कभी डांटा? लेकिन हम लोगों ने नहीं कभी वो ऐसे यार ये कितनी अच्छी है कसम से, कभी नहीं डांटा मियां को, कभी नहीं किसी को डांटा यार, ये कैसे किसी बात पे डांट दिया होगा सीमी? नहीं बता दे यार। नहीं वैसे सीमी ने शायद नहीं डांटा होगा, सीमी के मियां डांट खाने वाले नहीं। अच्छा कभी नकली जेवर असली दिखा के पहना? देखें हम जो पहनते हैं ना वो सबको लगता है असली है लेकिन हम बता दें वो असली नहीं होता। हाँ कई दफा लेकिन हम जब पहन लेते हैं तो असली लगता है। अच्छा असली है तो असली है फिर। अच्छा हाँ वो ऐसे चीज़ अब तो ऐसी आ गई हुई कि वो हाँ। अच्छा कभी पुराने कपड़ों काट पीट के नए बनाया? हमेशा हमेशा अक्सर इतना हमारा वार्डरोब भर जाता है, फिर मैं शलवारों के साथ शर्ट्स दूसरी बनाती हूँ, फिर उन सूटों के साथ दुपट्टे नए बनाती हूँ, तो वो बिल्कुल नई लुक हो जाती है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ, मैं तो ये काम बात करती हूँ। चलें जी ज़बरदस्त, हमारे ये तो बड़े मज़े की हमें बातें पता लगी इनके बारे में। अच्छा क्योंकि किस तरह से शो का टाइम गुजरा मुझे तो आई स्वेयर अंदाज़ा नहीं हुआ, इतना इन लोगों के साथ मज़ा आ रहा है। मुझे ये बताएं फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिसको देख के आपने सोचा कि मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ और ये एक एक्ट्रेस है जैसी मुझे इस तरह की बनना है? जब मैं आई थी इस फील्ड में तो उज़्मा गिलानी। क्या बात है उनकी, क्या बात है, क्या बड़ी आर्टिस्ट है। सीमी आप वो कौन सी एक्ट्रेस? उज़्मा गिलानी और खालदा रियासत मुझे बहुत पसंद थी, और उसके बाद मुझे शगुफ्ता एजाज की एक्टिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है नो डाउट। सीमी अभी पिछले दिनों आप कह रही थी सबा आपकी भी एक्टिंग पुरानी बात कर रही सबा ने फौरन लेके मेरा नाम क्यों लिया? शगुफ्ता एजाज को जब मैं आई थी सब, अब बताओ कौन सबा जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता।
अच्छा चलो जी, इनकी तो चल रही जरा दोस्तियां। निदा, कौन सी एक्ट्रेस है जो बहुत इंस्पायर किया या यूथ में पहले? परसों कह रही थी कि तुम्हारे नहीं भी कहा तो कह दे। फिल्म में तो मुझे बाबरा बहुत अच्छी लगती थी, बाबरा शरीफ। और टीवी पे आपको मैं सच्ची बात बताऊँ, हमारी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्योंकि सबा हमीद, खालदा रियासत, समीना पीरजादा, ये लोग उस वक्त लीड कर रहे थे और सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे, नो डाउट। वैसे मुझे सबा हमीद की एक्टिंग भी नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, वो भी बहुत ये है हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनका नाम आपने लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूं। और आजकल तो मैं रुबीना अशरफ की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत मैम। अच्छा, आजकल मैं वैसे सबा हमीद की डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। अरे जबरदस्त, बड़ा बड़ा बहुत अच्छा कर रही हैं वो, और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मेल एक्टर जिसने बहुत इंस्पायर किया हो पुराना, और जब आप लोग इस फील्ड में आ रहे हो तब आपको लगता है कि ये वाला एक्टर है, या तो इसके साथ मैं काम करूँ, कभी सीनियर भी हो सकता है, आपके लीग का भी हो सकता है। जावेद शेख। अच्छा, जावेद शेख आपको बहुत पसंद है। सीमी आपको? बिल्कुल, जावेद और आसिफ रजामी। ओके, निदा आपको? जावेद भाई के साथ तो मैंने काम किया है, फिल्म मेरी फर्स्ट मूवी मैंने उनके साथ की थी। अच्छा, एज अ हीरोइन? नहीं, अच्छा, उन बहन का रोल किया okay. था, मेरी फर्स्ट एंट्री थी शो बिजनेस। अच्छा, अच्छा, में ठीक है, जो मेरी उनके साथ थी, और उसके बाद फिर मैंने आबिद भाई के साथ, आबिद अली के साथ, उनके साथ। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ हमारे सभी बहुत बहुत अच्छे हैं, सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, सब बहुत, नो डाउट। और इस बात पे हैरत होती है, आप भी इस बात को मानेंगे कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक उस तरह एक दूसरे से सीखते हैं, कर करके सीखते हैं, कितना अच्छा काम करें कि इंटरनेशनली आप हमारे एक्टर्स को दुनिया भर में किसी भी एक्टर के सामने खड़ा कर दें तो वो बिल्कुल किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, बिल्कुल हमारे शो खत्म होने का वक्त है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से, मेरे साथ ही देखते रहिए बॉल नाइट्स विद एहसन खान। इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, ऑनेस्टली मेरा तो अभी तो बहुत सी बातें रह गई हैं, की नहीं बात। नेक्स्ट शो में आएंगे, नेक्स्ट शो में आएंगे दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा, कि मैसेज जाते जाते हमारे आप लोगों के इतने फैंस हैं, इतना लोग देखते हैं आप लोगों को, पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सीमी क्या कहेंगे आप? ये मीडिया माशाल्लाह से बहुत तरक्की कर रहा है। जब हम इस फील्ड में आए थे तो मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब माशाल्लाह चैनल्स भी ज़्यादा हो गए हैं, इसी तरह से हम लोगों का काम भी ज़्यादा हो गया है, और पसंद करते रहें और दुआएँ देते रहें हमें। बिल्कुल सही है। सबा क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुझे अभी ख्याल आ रहा है, इन्होंने मीडिया की बात की तो मैं तो सोशल मीडिया की, अपने इंस्टाग्राम उसकी बात करूँगी, क्योंकि जितने फॉलोअर्स होते हैं, जितना वो पसंद करते हैं, जितने वो अच्छे मैसेजेस देते हैं और जितनी मोहब्बत करते हैं, तो शायद हम उन सबको जवाब नहीं दे पाते, तो उन सब का शुक्रिया मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए करूँगी कि उनका बहुत शुक्रिया, और वाकई वो बहुत पसंद करते हैं, और जिस तरह की वो बातें लिखते हैं, जो बोलते हैं, मैं मुझे नहीं लगता कि हम लोग, शायद हमारा इतना ज़र्फ होगा कि हम सामने वाले के लिए इस तरह की क्या बातें बात लिख सकें। बड़ी तो बात, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगी अपने देखने वालों को, लोगों को? मैं ये कहूँगी कि कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ वो हमें माफ़ कर दिया करें, और वो डायरेक्टर की गलती होती है, हमारी बिल्कुल नहीं होती है। वो हमारे, जब हम बाहर निकलते हैं तो वो हमारे मुंह पे खड़े होके हमें कहते हैं कि आपने ऐसे क्यों की। वो कैरेक्टर की बात, इसमें हमारा कोई, वो राइटर ने लिखा ऐसे होता है, बिल्कुल वो राइटर ने लिखा होता है, और वो जैसे हमसे करवाते हैं हम वैसे करते हैं। बस आप लोग हमें, उस कैरेक्टर को चूज, बिल्कुल, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी अप्रिसिएशन। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच थ्री ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। एक बात तो भूल गए यार, जीता कौन तीनों में से? तीनों ही जीती, जिताई है तीनों, कौन जीता? वैसे तीनों जो है ना, वो क्वींस, ये तीन जो बैठी हुई ना, ये तीनों बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और ज़बरदस्त काम करती हैं, मेहनत करते हैं ये लोग, और आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, अपने घर को भी ज़बरदस्त रखा हुआ है इन लोगों ने, तो बड़ी रिस्पेक्ट है आप तीनों की। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी आप इज्जत करेंगे तो आपकी अपनी इज्जत में इजाफा, बिल्कुल, और हमारी इंडस्ट्री तभी ऊपर जा सकती है मज़ीद, जब आप लोग इनको डिग्निटी के साथ, प्यार के साथ इनको देखें और पसंद करें। तो तीनों हमारी विनर्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक बैग होता है तो
سب نے کہا کہ میرے پروڈیوسرز نے, اور سب نے کہا سبا جی جیت گئی ہیں, تو سبا جیت گئی ہیں. سبا کے لیے تالیاں بجا دیجیے. یہ لیں یار, یہ آپ کے لیے ہمارا گفٹ. بہت شکریہ جی. ہاں بہت شکریہ, تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ آنے کا. اچھا جناب بابا میری سن لیں نا, بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے اپنی دونوں ساتھی اداکاروں کو, ارے یار یہ ہو نا جذبہ, محبت, محبت کا جذبہ. اچھا جناب سی یو گائز نیکسٹ ویک. مجھے بتائیے گا آپ لوگ کس سے ملنا چاہتے ہیں, انہیں کو یہاں پہ بلائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.